नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाने वाले पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट क्रिकेट मैच के हवाले से SACU हेड क्वार्टर्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मैचेस के आगाज से कबल सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास की सदारत DIG सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन डॉक्टर मसूद अहमद ने की। सीनियर पुलिस अफसरान, पाक फौज, सिंध रेंजर्स और PCB के आला हुकाम समेत तमाम स्टेक होल्डर्स ने इजलास में शिरकत की। DIG डॉक्टर मकसूद अहमद को सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी गई कि सिक्योरिटी डिवीजन अहलकार बशमूल SACU कमांडोज, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और स्पेशल ब्रांच के अहलकार नेशनल स्टेडियम, कराची एयरपोर्ट, सड़कों, होटल्स, प्रैक्टिस ग्राउंड्स और दीगर मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे, जबकि हसास मकामात पर माहिर निशाना बाज भी तैनात किए जाएंगे। DIG सिक्योरिटी ने टीमों और तमाशाइयों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का अजम किया और हिदायत की कि मैच के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम तरह वसाइल को ब्रोए कार लाए जाए। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।